हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है क्या यार, 15th ऑफ अगस्त और राखी। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी राखी। ये व्लॉग 2-3 दिन बाद ही आएगा। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, 12 बज रहे होंगे, आई थिंक 12:30 बज गए। मैं लेट हो गई क्योंकि कल 14 को गृह प्रवेश था तो समेटा समेटी बहुत थक गए थे इस वजह से। तो अभी हम जा रहे हैं मिठाई लेने। ये है मेरा बेटा शौर्य, कुर्ता पजामा पहन के। इसके पापा के हैंड में हो गया प्लास्टर, पर वो ड्राइव कर रहे हैं। मैंने कहा था मैं कर देती हूँ, बट उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूंगा, आज थोड़ा रश भी ज्यादा रहेगा इस वजह से। तो मैं बहुत सिंपल रेडी हुई हूँ, मेरे को गर्मी में कोई तैयार होने का ज्यादा मन नहीं था। सिंपल एक कुर्ती लेगिंग मैंने पहनी है, थोड़ा मीठा वगैरह लेके जा रही हूँ। कल हलवाई ने इतना सारा बना दिया था तो मैंने कहा चलो सब लोग खा लेंगे, तो घर के लिए भी लेके जा रही हूँ। बाकी अब हम लेने जा रहे हैं घेवर, तो आपको घर पहुँच के मिलती हो। सो संदीप लेने गए हैं मिठाई। कैन यू सी दिस? मैं थोड़े से ये रहे कहाँ गए डब्बे, ये रहे। वैसे मैंने कल भिजवा दिए थे, बट मैं 2-3 और लेके जा रही थी। वहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह या कोई भी नीडेड रहेगा, किसी को नहीं पहुँचा होगा, तो उनको देने के लिए 4 डब्बे लेके जा रही थी। एंड शौर्य को एकदम से भूख लग गई, घर से एप्पल खिलाया था मैंने इसे, बट ऑब्वियसली 12:30 बज रहे, बच्चा भूखा है और कुछ खाना बना नहीं। कल का इतना बचा रखा है, रात को भी खाया, अभी भी वही। मैंने भाभी को बोल दिया था कि भाभी कुछ हल्का बनाना, आप जो भी बनाओ, तो देखते हैं भाभी ने क्या बनाया होगा, क्योंकि कल इतनी पूड़ी एंड ऑल दैट हैवी खाया। आपको इससे पहले वो व्लॉग मिल ही गया होगा मेरे घर के गृह प्रवेश का। तो मेरा बेटू एंजॉय कर रहा है लड्डू, ये घर के जो हमारे बनवाए थे हलवाई से लड्डू, ये वो हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है जो मार्केट में मिलते हैं, बट ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको बांटने वगैरह होते हैं तो आप घर पे बनवा लो, बजट में भी रहते हैं एंड खूब सारे हो जाते हैं, कोई सोचना नहीं पड़ता है इस तरह से। तो यहाँ हम आए बंसल पे, उधर है बंसल वाला, जयपुर हाउस में है, उस पर बहुत एक्सट्रीम्स में भीड़ होती है। संदीप ने कहा मैं चला जाता हूँ, टूटे हाथ देख के शायद कोई मुझ पर तरस खा के मुझे जल्दी दे दे, क्योंकि उस पर बहुत भीड़, बहुत लंबा नंबर रहता है। एंड यहाँ मुझे थोड़ा एक दो पिंपल हो गए हैं, क्योंकि कल मैं सुबह 7:30-8 बजे मैंने मेकअप कर लिया था और रात 10-11 बजे मैंने फेस वॉश किया है। ऊपर से इतनी सड़ी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, पूछो मत। तो एक आध अब ऐसे ही चलता रहता है गर्मियों के टाइम पर मेरी स्किन में कुछ ना कुछ इश्यूज़। ये तो यम्मी है, अच्छा लग रहा है आपको, खा लो। इस पे इसको ग्रीन चुनी और डाल दो तो पूरा इंडिपेंडेंस डे का थीम हो जाएगा, उसका वाइट ऑरेंज बस ग्रीन रहता है। घर आ चुकी हूँ मैं, मैंने ये राखी की थाली सजा दी है। इसमें सिंपल है, रोली, चावल, राखी और घेवर। वो एक्चुअली रोली में मुझसे ज़्यादा पानी डल गया तो इस तरह से सारा अनइवन हो गया, कोई बात नहीं। एंड 4 राखी हैं, बट मैं 3 ही भाई को बांधूंगी, मेरा 4th वाला भाई नहीं आ पाया। बट राखी से पहले हम लोगों ने किया है लंच, यहाँ पूरा खाना सज गया है। एक्चुअली भाभी लोग भी तैयार थी, उन्हें भी जाना था एंड मेरे एक भैया अभी रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो भाभी ने कहा चलो तब तक तुम लंच कर लो, 4 तीनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक बार मैं राखी बांध दूंगी। तो इधर भाभी ने बनाया है मटन, हमारे यहाँ नॉनवेज बन जाता है त्यौहार वाले दिन एंड सब पसंद भी करते हैं। साथ के साथ मैंने भाभी को बोला था भाभी कढ़ी बना लेना, ये पराठे वो खाने का मन नहीं है, पूड़ी वगैरह और ये पनीर छोले। तो उन्होंने मेरे लिए कढ़ी चावल बनाए और फुलके बनाए, तो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने मेरी पसंद का इतना ध्यान रखा। ये है मेरे सबसे बड़े भाई, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको सबको पता ही है मेरे कौन कौन से भाई हैं, बट तभी मैं बता देती हूँ। ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं एंड ये बड़ी वाली भाभी हैं। भाभी देखिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उनको भी जाना है, उनका थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वो यहाँ पर खाना वाना बना के और हम लोगों को रिसीव करके फिर चली जाती हैं। सब लोग लोकल हैं तो आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मेरे सेकेंड वाले भैया हैं, ये भी जाएंगे, ये थोड़ा सा अभी बिज़ी चल रहे थे तो मैंने कहा चलो तब तक मैं लंच कर लूँ। ओला बाइक, तो ओला बाइक ठीक रहेगी, आजकल तो बाइक बहुत चलती है ना। अरे ओला की बाइकें भी आ गई है ना। हाँ बाइक भी आ रही है, मतलब ओला बाइक वाले को टाइम पे बता दो, इतना टाइम नहीं जाना है। नहीं बुक कर दो, बस थोड़ी देर पहले ही आ जाते हैं, 5 मिनट में। ये मेरे थर्ड वाले भैया, इनकी राखी में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, सच्ची बता रही हूँ। सालों हो गए राखी बांधते बांधते, लेकिन अभी भी मुझे भाभी याद दिलाएं कि कौन से हाथ में राखी बांधनी है और कौन से उंगली से तिलक लगाना है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो मैंने इन वाले भैया के शायद उल्टे हाथ में बांध दी और सबके सीधे हाथ में बननी थी, देखिए अभी भी मुझे याद नहीं है, बट गड़बड़ हो गई थी। बहुत देर मैंने कोशिश की फिर उसके राखी बांधने के बाद खोलने की, और इनकी राखी का थ्रेड कुछ ज़्यादा लटक रहा था, तो मैंने 2 या 3 नॉट बांधी थी तो वो खुल के नहीं दी, इतनी परेशान हो गई मैं। फिर मेरा मैंने कहा 4th वाला भाई अभी आया नहीं है, एक राखी स्पेयर में थी तो मैंने इसका धागा काट दिया सीजर से और फिर मैंने बांध दी।
तो इस तरह से राखी का हुआ। जब वो आएगा, वो अभी आ नहीं पाया, उसका ड्राइवर चला गया था फेस्टिवल पे, तो वो निकल नहीं पा रहा था, तो वो आएगा 2-3 दिन बाद आएगा। एंड यहाँ जूही बांध रही है मेरे भतीजों की राखी, ऑब्वियसली उसके भाई हैं तो वो उनकी बांध रही है। अभी एक ये अनु है, उसके बाद हमारा यश है, निक्कू है और हमारा शौर्य है। तो शौर्य तो इतना नखरीला है, कल कलावा भी बांधा था, वो भी उसने निकलवा दिया। राखी पता नहीं उसने कैसे बंधवाई होगी, मैं नीचे थी तो ऊपर जूही ने जाके बांध दी थी, बट उसने, मैंने देखा तो उसने खुलवा ली। ये हमारा यश है, ये भी ये नोएडा में पड़ता है और ये ऐसे आता जाता रहता है। या काट दूं चिकी वाली बांध देती हूं। तो बिल्ला की भी गड़बड़ हो गई मेरी। नहीं तो उसका कोई नाम थोड़ी लिखा है। ये देखो छोटा भीम और ये छोटा भीम। बच्चा क्यों दिखाते हो? बच्चा नहीं दिखा रहा, छोटा भीम। हैप्पी हैप्पी करो। नकरे ये संदीप हमें लेने आने वाले थे, तो मैं शौर्य को मना मनु के नीचे लेकर आई हूँ, क्योंकि नानी के घर से वो बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो पास में घर है तो हाल वो आ गए। मैं 2 मिनट भी नहीं लगते अब मुझे आने जाने में, ये भी बहुत अच्छा हो गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अपने घर से आ चुकी हूँ, वापस से मैं अपने घर में हूँ, दूसरे घर में। अब मेरा मायका और मेरा घर इतना पास पास है कि मैं हाल आ जा सकती हूँ, अदरवाइज मुझे फुल डे वहाँ रहना पड़ता था, फिर संदीप फ्री होके आते थे। और अभी ऑब्वियसली हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, कुछ अपनी सेटिंग भी करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर पार्क, डोर ओपन करें, गेट अभी हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ है। हम लोग पार्क में बैठे हैं, बट मैं व्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, पब्लिक वॉक कर रही थी। धीरे धीरे लोगों को भी पता चल जाएगा और मेरे को भी आदत हो जाएगी। और ये है संदीप का टूटा हुआ हाथ जिस पे हो गया है प्लास्टर। वो नहीं प्ले करेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। मैं नीचे से चाय लेके आई थी, मम्मी ने बनाई थी, संदीप ऑफिस चले गए हैं। शौर्य को आज मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, बहुत रो रहा था पर छोड़ के आना ज़रूरी था। कब तक घर पे बैठा के रखूँगी? 2 दिन आप फ्राइडे सैटरडे 2 दिन स्कूल चला जाएगा, फिर मंडे जितना दिन आप स्ट्रेच करो टाइम उतना ही बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी वो 1 महीने लेट चल रहा है, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा दिल पक्का करो। रो रहा था, बुरा लग रहा था मुझे, बट ऑब्वियसली थोड़ी देर रोना है, मुझे पता था। मैं 10 मिनट रुकी, 15 मिनट रुकी, संदीप को भी ऑफिस जाना था, वो मुझे लेके गए थे कार से क्योंकि बारिश हो रही थी। अदरवाइज मैं अपना स्कूटर से लेना छोड़ रहा उसके करा करूँगी, कार अब संदीप लेके जाएंगे। सब्जी वाला यहाँ पर चिल्ला रहा है, नई नई सब्जी वाले नई नई जगह। बहुत अच्छा सौंदा सौंदा मौसम हो रहा है, मैं बालकनी का दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ, बट यहाँ बंदरों का रिस्क रहता है। आगे देखिए, अभी ये सारे कार्टून्स गायब हो गए थे ना, सारे कार्टून संदीप ने बाहर वापस से निकाल दिए कि अब धीरे धीरे करके इनको सेट करो। खुद चले गए, खुद के तो हाथ में लग गई, खुद चले गए, उनका करूँ, उनके बच्चे का करूँ, उनके घर का करूँ, खुद का करूँ, तो पागल हो गई हूँ, कितना करूँगी, बट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आज मेरी मम्मी आएंगी, मैंने एक भैया हेल्प के लिए बुलाए हैं, वो मम्मी आ जाएंगी, सास हैं, सास अपना नीचे पापा का देखनी है, अपना देखनी है, उनका पोर्शन भी उनको सेट करना होता है, तो हम माँ बेटी मिलके थोड़ा समेट लेंगे। लेट्स सी, आज फाइनली छुट्टी शायद लोगों की ख़त्म हो जाए, तो मेरा AC लग जाए, मेरा क्या बोलते हैं TV, मेरा AC TV, यू नो आई एम सो एडिक्टेड टू दीज थिंग्स ना, तो बस मुझे बहुत उलझन है, मुझे बस मेरे पोर्शन में मेरा चीज़ें चाहिए, मुझे फील ही नहीं आ रहा है मैं अपने घर में रह रही हूँ। मेरा कमरा मेरा सब ओपन है, एक तो कर्टन्स नहीं लगे हैं, तो इसलिए तो जैसे मेरा TV और AC सेट हो जाएगा मुझे लगेगा हाँ ये रहा मेरा रूम। मौसम ठीक है, वैसे रह सकते हो आप ऊपर, लेकिन सो नहीं सकते हो, AC चाहिए होता है। तो मैं रात व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अब कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यही है अभी ब्रेकफास्ट में, पूजा हो चुकी है तो आप वो कर सकते हो, खाना बना सकते हो, नीचे बनी रहा है, मैं भी बनाना शुरू करूँगी। बट अभी ना जो स्लैब है उसमें छेद नहीं हुआ है, तो वो छेद जब हो जाएगा तब बनेगा खाना। तो आज सबको बोल के, मैंने कल ही सबको फ़ोन करवा दिया था कि सभी बोल के जाओ सबको कि मंडे को आज सब लोग आ जाएं। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि एक ही करके सारे लेबर्स आएँ और मैं सबसे काम करवाऊँ। इसलिए मेरी मम्मी को पता है मेरे को थक जाती है, तो मेरी मम्मी ने कहा मैं आ जाऊँगी, थोड़ा दिल्ली नाश्ता पानी भी ले आऊँगी, और शौर्य वहीं स्कूल गया है तो उसको भी लेते हुए आएंगे। तो बस अब इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, इसलिए कल के कपड़ों में हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग क्लीनिंग का जब शुरू करूँगी तब आपसे फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।